आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा डिलीशियस एंड टेस्टी मैंगो आइसक्रीम। तो मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है, ना ही कोई क्रीम ना ही कोई कंडेंस्ड मिल्क। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई चैनल होमली एंड हेल्दी किचन। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल फैट क्रीम मिल्क का यूज किया है। तो इसे हम बॉयल होने के लिए कोई भी बर्तन में ट्रांसफर करके गैस पे चढ़ा देंगे। हाई फ्लेम हमें रखना है, जब तक ये बॉयल नहीं हो जाती तब तक फ्लेम हाई रखेंगे, और जैसे ही मिल्क बॉयल हो जाती है हम फ्लेम को लो कर देंगे या मीडियम कर देंगे। और उसके बाद हमें इस दूध को तब तक पकाना है जब तक ये सूख के आधी नहीं हो जाती, और आप कह सकते हो कि दूध को हमें गाढ़ा करना है। तो बीच बीच में इस तरीके से हम चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है हमारी वो तले से चिपके नहीं, और साइड साइड में स्क्रैच करते रहेंगे ताकि जो छाली है ना, दूध की क्रीम है, मलाई है, वो बीच में इकट्ठा हो जाए। तो देख रहे हो कि आप कितने बड़े बड़े से बबल्स आने लग गए हैं, मतलब इसका ये मतलब है कि दूध हमारी जो है वो अच्छे से सूख चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। तो आप देख रहे हो कि दूध इसमें आधी हो चुकी है सूख के, और हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब गैस की फ्लेम हम इसी वक्त ऑफ कर देंगे और हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 आम ले लिया है। आप चाहो तो मैंगो आइसक्रीम के लिए कोई सा भी आम का यूज कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आम में ज्यादा रेसे नहीं होने चाहिए और आम मीठी होनी चाहिए। तो आप कोई भी पके हुए आम ले लो। और इस तरीके से मैंने पिलर से इसे पिल कर लिया है, छील लिया है। आप अपने हिसाब से आम को किसी भी तरीके से छील के और रफली चॉप कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड हमें इसे ग्राइंड करना है। तो इस तरीके से मैंने सभी आम को छील लिए हैं, अब हम इसे चॉप कर लेंगे। तो आप मैंगो आइसक्रीम जब भी बना रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि जो आप आम ले रहे हो वो रसीले होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, ताकि आपको चीनी की जो यूज है वो कम करनी पड़े, क्योंकि इसमें नेचुरल अगर मीठापन रहेगा ना तो चीनी आपको ज्यादा नहीं यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने सभी आम को कट कर लिए हैं। और मैं आइए आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि क्या क्या आइसक्रीम में यूज करेंगे। तो आम जो मैंने कट करके रखे थे, ये हमने जो दूध सुखा करके रखा था वो है, आप देख रहे हो कितनी मोटी सी मलाई जम गई है ऊपर में। और ये हमने मिल्क पाउडर लिया हुआ है 1 कप, और ये 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा हमने चीनी लिया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी ले सकते हैं, कम या ज्यादा, आप जैसा मीठा खाते हो वैसे आप ले सकते हो। अगर आप आपकी आम जो है वो बहुत मीठी है तो आपको चीनी का यूज कम करना है। तो यहाँ पे हम मिक्सी के जार में आम डाल देंगे और ये मिल्क भी डाल लेंगे जो हमने सुखा के रखा था, और ये मिल्क पाउडर डाल लेंगे। मतलब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी के जार में डाल के और इसे ग्राइंड करना है, मतलब इसके का पल्प बना लेना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजली तरीके से ये बन जाती है। तो आप देख रहे हो कि ये प्यूरी बन के बिल्कुल रेडी है, हमारी आइसक्रीम को की जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, बहुत ही फाइन पीसी है ये, तो हमें बिल्कुल इसी टेक्सचर में चाहिए। तो ये बिल्कुल बन के रेडी है, अब हम इसे एक केक टिन या कोई भी बर्तन जिसमें आप इसे फ्रिज में डाल के और जमाना चाहते हो तो आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्लास के बोल का यूज किया है। तो इस तरीके से हम इसे रख करके, और फ्रिज में हमें पहले तो 2 घंटे के लिए इसे रखना है, तो हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जब हाफ थोड़ी थोड़ी ये जम जाए, मतलब तो हम इसे निकाल करके और इसमें हम मैंगो की जो चंक्स है ना वो ऐड करेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आइसक्रीम में। तो मैंगो के सारे चंक्स हम इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 आम को काट करके लिया हुआ है, 1 मीडियम साइज के आम को,
तो ये प्रोसेस हमें 2 घंटे तक कम से कम पहले जमा लेना है आइसक्रीम, उसके बाद करनी है, क्योंकि अगर आप पहले करोगे ना ये प्रोसेस, तो आपकी जो मैंगो की चंक्स है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो अब हम इसे फिर से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और मैंने यहाँ पे 5 घंटे हो गए हैं फ्रिज से निकाला है, और आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी से ये जम चुकी है। तो यहाँ स्कूपर की मदद से हम आइसक्रीम को निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आप देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी लग रही है। तो ऐसे मैंगो के चंक्स बीच में मुंह में आते हैं ना, तो ये और भी ज़्यादा लगते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। तो आप इस तरीके से ये रेसिपी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।